निष्पक्ष जांच नहीं करते हुए कायथा थाना प्रभारी ने पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके चलते पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। कायथा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी लीला सोलंकी और अन्य पुलिस कर्मी द्वारा मारपीट भी की जाने के विरोध में आक्रोशित तराना और आसपास के पत्रकार साथियों द्वारा तराना तहसील कार्यालय से रैली निकालकर थाना परिसर अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, मुकेश शर्मा, नवीन नागर, आरिफ खान के निर्देशन में पत्रकार नानावटी, प्रजापति, सतीश जायसवाल, संयन नियमत, पीयूष कलोसिया, नईम आफ्ताब, दीपांशु जैन, विपिन मित्तल, अर्शद जागीरदार, विशाल बड़ोना, इमरान खान, शिव नारायण चांदना, प्रवेश जोशी, कल्याण तोमर, अर्पित बोड़ाना, शेखर कुशवाहा, आनंद परमार, विकास कसेरा, सुनील यादव, शिखर शर्मा, धूव्र जैन, अजय परमार, विष्णु माली, अर्जुन धननगर विशेष रूप से उपस्थित थे। और हम आशा करते हैं कि वह उस पर कार्रवाई करेंगे और यदि नहीं होती है तो हम क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो। ज्ञापन अभी विगत दिनों कायथा के हमारे पत्रकार साथी हैं अजय नवरंग, वो लगातार कायथा क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियाँ हो रही थी वो उनको लेकर खबरें प्रकाशित कर रहे थे। साथ ही जो वहाँ की थाना प्रभारी हैं लीला सोलंकी जी, वो अपने निवास वहाँ पर कार्यस्थल पर नहीं रहती हैं और देवास से अप डाउन करती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बड़ी घटनाक्रम हो जाती है तो जवाबदार वो रहती है। तो इस तरीके के कई मामलों को लेकर अजय नवरंग और उनकी टीम लगातार लगी हुई थी, उसी से रुष्ट होकर अभी विगत दिनों उनको कायथा में बुलाया मैसेज के माध्यम से कि आ जाओ हम बैठ के बात कर लेते हैं, और उनके ऊपर मारपीट की गई। संतोष चोड़िया जो आरक्षक है वहाँ पर, उसके द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा और जबरन उल्टा मारने के बाद में भी उनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा का और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो उसके विरोध में उस दिन पत्रकार साथियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और 3 दिन का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आज पूरे तराना और तराना तहसील के अंचल के पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महामहिम राज्यपाल के नाम यहाँ पर तहसीलदार डी के वर्मा जी को ज्ञापन सौंपा है और जल्दी से जल्द थाना प्रभारी लीला सोलंकी जी और जो आरक्षक है संतोष चोड़िया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने की यहाँ पर मांग की गई है।